नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 114 की इलस्ट्रेशन बी की और सेक्शन 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बहुत रीसेंट जजमेंट दी है, एक दो दिन पहले ही, इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो वो जजमेंट भी हम देखेंगे, उसके मटेरियल पॉइंट्स हम देखेंगे और हम समझेंगे कि इन जो ये जो सेक्शन से है, सेक्शन 114 की इलस्ट्रेशन बी और सेक्शन 113, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट ने निकाला अपनी जजमेंट में। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो आज की। तो सबसे पहले सेक्शन 114 की इलस्ट्रेशन बी कहती है, द कोर्ट मे प्रिज्यूम। अब यहां प्रिजम्पशन मे प्रिज्यूम है, यानी कोर्ट मान सकता है, कोर्ट बाउंड नहीं है, शेल वाली प्रिजम्पशन नहीं है, मे प्रिज्यूम है, दैट एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरोबरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। अब यहां आपको दो शब्द समझने पड़ेंगे दोस्तों। अकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी, यानी कि जो अपराध में भागीदार हो, राइट। और कोरोबरेशन का मतलब होता है, कोरोबरेटेड का मतलब होता है पुष्टि करना, यानी कि आपको जो भी गवाही उसने दी है, जो भी उसने एविडेंसेस आपको दिए हैं अकम्प्लिस ने, उसको आपको मटेरियल पर्टिकुलर्स में, मतलब कि मोटे मोटे तौर पे उसकी पुष्टि करनी चाहिए फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ये इसका मतलब है। इसी तरह से सेक्शन 133 कहता है, एन अकंपनीज शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एक्यूज पर्सन एंड कन्विक्शन इज नॉट इलीगल मेयरली बिकॉज इट प्रोसीड्स अपॉन अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ अकंप्लिस। सेक्शन 133 कहता है कि अकंप्लिस जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा और कन्विक्शन जो इस अकंप्लिस की गवाही पे जो कन्विक्शन किया जाएगा वो इसीलिए इलीगल नहीं होगा क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंट कोरोबोरेशन नहीं करी गई है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस से उसने जो भी गवाही दी उसकी पुष्टि नहीं करी है, तो इसके इससे उस ये कन्विक्शन इलीगल नहीं हो जाएगा। तो ये जो सेक्शन है इसके बीच में ये छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है। अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व किया और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने मटेरियल पॉइंट इस एस्पेक्ट पे रखे। तो दोस्तों जजमेंट का नाम है सोमा सुंदरम @सोमू वर्सेस स्टेट, तमिलनाडु से ये केस रिलेटेड है। ये किसका क्रिमिनल अपील नंबर है, क्रिमिनल अपील नंबर 403 ऑफ 2010, डेट ऑफ जजमेंट इज 3rd of June 2020 और ये जो जजमेंट है ये लिखी है KM जोसेफ साहब ने, जस्टिस KM जोसेफ ने लिखी है और इसमें दो जजेस और थे, बट दिस हैज बीन रिटन बाय जस्टिस KM जोसेफ। तो दोस्तों अगर आप में से जो भी लोग जज बनना चाहते हैं या जो जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जजमेंट्स ज़रूर पढ़ा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जजमेंट पढ़नी चाहिए क्योंकि जितना आप जजमेंट पढ़ेंगे उतनी एक तो आपकी जजमेंट राइटिंग की स्किल अच्छी होगी आपके मेंस के एग्ज़ाम में और दूसरा आपको लॉ पॉइंट आपके एकदम अपडेटेड रहेंगे और आप एकदम अपनी जजमेंट में उन सब चीज़ का एडवांटेज ले पाएंगे देन अदर स्टूडेंट्स। तो ये सिर्फ एक वाइज एडवाइस है आप लोगों के लिए जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो इस केस की फैक्ट्स ये हैं दोस्तों कि एक व्यक्ति थे मिस्टर MK बालन जो कि XMLA थे तमिलनाडु में, उनके सन ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई कि वो इस डेट को मॉर्निंग वॉक पे गए थे और इस केस के बेसिस पे केस रजिस्टर हुआ और सब चालू हुआ इन्वेस्टिगेशन।
तो फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, सब इंफॉर्मेशन वगैरह सर्कुलेट हुई और फिर ऐसे ही चलता रहा मामला। फिर एक दिन क्या होता है कि A5 जो एक्यूज नंबर 5 है, फिफ्थ एक्यूज जो है, उसको अरेस्ट किया जाता है और फिर एक्यूज नंबर 6 को, 7 को, 8 को, सबको अरेस्ट किया जाता है। बहुत सारे लोग इसमें अरेस्ट होते हैं। तो प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि एक्यूज ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है जिसके बेसिस पे ये सेक्शन 27 में रिकवरीज हुई हैं और फिर उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे रिकवरी हुई है। इनको इस ये जो एम के बालन जो व्यक्ति है, इसको एक फैक्ट्री में रखा, इसको मार दिया इन लोगों ने। बेसिकली इट्स अ पॉलिटिकल मर्डर। और इसको मार दिया, फिर नकली सर्टिफिकेट लेके, नकली डेथ सर्टिफिकेट बना के इसको क्रिमेट कर दिया, कब्रिस्तान में दफना दिया। और और ये सब इन्होंने ऑफेंस किया। तो ये इसके फैक्ट्स हैं, आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं, ये इसके फैक्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या लॉ लेट डाउन किया कोर्ट ने। तो दोस्तों, के हाशिम की जजमेंट में कोर्ट ने 3, 4, 5 पॉइंट लेट डाउन किए, वो हम देखते हैं कोर्ट ने क्या क्या कहा। कोर्ट ने सबसे पहले कहा, इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन ऑफ एवरी मटीरियल सर्कमस्टांस इन अ सेंस दैट इंडिपेंडेंट एविडेंस इन द केस शुड इन इटसेल्फ बी सफिशियंट टू सस्टेन कन्विक्शन। यानी कि उसकी अकम्प्लिस की या कंप्लेनेंट की टेस्टिमनी के अलावा, ये जरूरी नहीं है कि हर मटेरियल पर्टिकुलर को आप इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन उसकी करें कि उसी के बेस पे कन्विक्शन हो जाए। सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि देयर मस्ट बी सम एडिशनल एविडेंस रेंडरिंग इट प्रोबेबल दैट स्टोरी ऑफ अकम्प्लिस इज ट्रू एंड कैन बी रीजनेबली सेफ टू एक्ट अपॉन इट। यानी कि उस पर रिलाय ऑन किया जा सकता है और उसकी कहानी सच्ची लगनी चाहिए। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोरोबोरेशन एज टू आइडेंटिफिकेशन मस्ट एक्सटेंड टू ऑल सर्कमस्टांसेस नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एक्यूज विद द ऑफेंस। यानी कि एक्यूज का ऑफेंस से कनेक्शन बनाने के लिए कोरोबोरेशन हर सर्कमस्टांस से मैच करना जरूरी नहीं है। मतलब कि मटीरियली अगर वो कोरोबोरेट हो रही है तो इट इज सफिशियंट। द कोरोबोरेशन मस्ट कम फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड डज ऑर्डिनरली द टेस्टिमनी ऑफ वन अकम्प्लिस वुड नॉट बी सफिशियंट टू कोरोबोरेट दैट ऑफ अनदर। यानी कि अगर दो अकम्प्लिस हैं तो एक से दूसरे की वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, देयर मस्ट बी सम वेरिफिकेशन बाय इंडिपेंडेंट सोर्सेज। बट ऑफकोर्स द सर्कमस्टांसेज मे बी सच एज टू मेक इट सेफ टू डिस्पेंस विद द नेसेसिटी टू कोरोबोरेशन इन दो स्पेशल सर्कमस्टांसेज आ कन्विक्शन इज सो बेस्ड वुड नॉट बी इलीगल। अब यहां कोर्ट ये कह रहा है कि किसी किसी केस में स्पेशल सर्कमस्टांसेज हो सकते हैं, वहां हम डिस्पेंस कर सकते हैं, मतलब हम उसकी कोरोबोरेशन की रिक्वायरमेंट को छोड़ सकते हैं। कई बार मजबूरी हो जाती है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं, उस केस में कन्विक्शन इलीगल नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि कोरोबोरेशन नीड नॉट बी अ डायरेक्ट एविडेंस दैट एक्यूज कमिटेड दी क्राइम, इट इज सफिशियंट इफ इट इज मेयरली अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऑफ हिज कनेक्शन विद दी क्राइम। यानी कि अगर आपने कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी दे दिया जिससे ये साबित हो जाए कि इसका क्राइम से कनेक्शन है, तो भी चलेगा। डायरेक्ट एविडेंस की कोई ऐसी जरूरत, कंपल्शन नहीं है। तो दोस्तों, कोर्ट के अकॉर्डिंग कंबाइन इफेक्ट क्या होगा सेक्शन 113, 133 और 114 बी का। तो कोर्ट के अकॉर्डिंग
इट वुड बी अनसेफ टू कन्विक्ट एक्यूज सोलली ऑन बेसिस ऑफ अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ अकम्प्लिस, यानी कि सोलली अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी पे उसको कन्विक्ट करना अनसेफ होगा. द कोरोबोरेशन मस्ट बी इन रिलेशन टू मटीरियल पर्टिकुलर्स ऑफ टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस, यानी कि उसकी गवाही का जो मुख्य भाग है उसकी पुष्टि इंडिपेंडेंट सोर्सेस से होनी चाहिए. इट इज क्लियर दैट एन अकम्प्लिस वुड बी फेमिलियर विद द जनरल आउटलाइन ऑफ द क्राइम एज ही हैज पार्टिसिपेटेड इन द सेम, यानी कि उसने क्राइम में पार्टिसिपेट किया है तो उसे जनरल तो पता ही होगा उसके बारे में. द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पर्टिकुलर एक्यूज्ड एंड द क्राइम इज वेयर द कोरोबोरेशन ऑफ टेस्टिमनी ऑफ एकम्प्लिस वुड अज्यूम क्रूशियल सिग्निफिकेंस, यानी कि क्राइम के और एक्यूज के लिंक को जो कोरोबोरेशन है उसको टेस्टिमनी ऑफ एकम्प्लिस से उसमें उसकी क्रूशियल सिग्निफिकेंस हो जाती है. द एविडेंस ऑफ एकम्प्लिस मस्ट पॉइंट टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्टिकुलर एक्यूज्ड, यानी कि एविडेंस ऑफ एकम्प्लिस मस्ट पॉइंट टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्टिकुलर एक्यूज्ड, राइट, पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ एविडेंस ऑफ एकम्प्लिस पॉइंट आउट करना चाहिए, राइट. इफ हिज टेस्टिमनी इन कंजक्शन विद अदर रेलिवेंट एविडेंस अनमिस्टेकेबली मेक्स आउट द केस फॉर कन्विक्टिंग द एक्यूज्ड. कोरोबोरेशन के बारे में कोर्ट ने यह कहा, कोरोबोरेशन मस्ट बी सच दैट इट रेंडर्स द टेस्टिमनी ऑफ अप्रूवर बिलीवेबल इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, यानी कि कोरोबोरेशन इस तरह की होनी चाहिए कि वो अप्रूवर की जो गवाही है उसमें यकीन बढ़ाए, विश्वास बढ़ाए. द टेस्टिमनी ऑफ वन अकम्प्लिस कैनॉट बी ऑर्डिनरीली सपोर्टेड बाय द टेस्टिमनी ऑफ एनदर अप्रूवर. माने कोर्ट ने या माने प्रोसिक्यूशन ने क्या करा, दो अप्रूवर बना लिए, इसकी उससे कोरोबोरेट करा ली, उसकी उससे कोरोबोरेट करा ली. दैट वुड नॉट बी फेयर. वी हैव यूज द वर्ड ऑर्डिनरीली इंस्पायर्ड बाय द स्टेटमेंट of law in paragraph 4 in K. Hashim Supra, where in this court did contemplate special and extraordinary cases where the principle embedded in section 133 would literally apply. यानी जो हमने अभी देखा था कि कुछ special circumstances ऐसे होते हैं, कुछ special cases ऐसे होते हैं जहां हम corroboration को dispense with कर सकते हैं, right? In other words, in common run of cases the rule of prudence would have which has evolved into principle of law is that an accomplice to be believed must be corroborated in particular of his testimony. The evidence which is used to corroborate an accomplice need not be direct evidence and can be in form of circumstantial evidence. Yani ki ab wahi sare point hai jo humne abhi ki Hashim ki judgment mein dekhe ki corroboration हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जब कोरोबोरेशन ना भी हो तो चलेगा, राइट. उसके बाद दोस्तों कोर्ट ने बात करी है कि अकम्प्लिस को अप्रूवर बनाने का क्या प्रोसीजर होता है. ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं. सीआरपीसी के सेक्शन 306 में अप्रूवर बनाने का प्रोसीजर है. अप्रूवर बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, जब प्रोसिक्यूशन किसी कोई अच्छे एविडेंसेस नहीं जुटा पाती है तो प्रोसिक्यूशन क्या करती है, जो नंबर ऑफ एक्यूज्ड होते हैं उसमें से एक दो को प्रोसिक्यूशन कहता है कि तेरी सजा माफ हो जाएगी, तू अपने बाकी साथियों के खिलाफ गवाही दे दे. जो क्राइम केस से रिलेटेड सीरियल होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा पुलिस को इस तरह की टैक्टिक्स यूज करते हुए. बेसिकली इससे पर्पज ये होता है कि जब पुलिस को कोई लीड नहीं मिल रही होती है किसी केस में तो उस व्यक्ति को तोड़ के उसको अप्रूवर बना के प्रोसिक्यूशन उसके बाकी साथियों के खिलाफ यूज करता है. तो वो जो अप्रूवर होता है वो उसको इस ग्राउंड पे माफी मिलती है कि वो व्यक्ति जो है पूरा वर्जन बताएगा, पूरी
डिटेल से, मतलब अच्छे अच्छे बारीकी से बताएगा कहाँ गए, कैसे हथियार इकट्ठे करे, सब कुछ वो बताएगा और उसके बदले उसको माफी मिल जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोसिक्यूशन उससे जो लेना चाह रहा हो वो प्रोसिक्यूशन को उससे ना मिले, राइट? तो उस केस में क्या होगा, उसकी उसकी ये कहेंगे कि आपको हमने जिस कंडीशन पे पार्डन किया था वो आपने फॉलो नहीं करी है, एंड वी वुड प्रोसीड अगेंस्ट यू। और इस परजुरी, झूठी गवाही देने के साथ साथ उस पे वो भी ट्रायल चलेगा उसके बाकी साथियों के साथ। तो ये प्रोसिक्यूशन टैक्टिक्स यूज करता है। तो आप चाहे तो इसके रिगार्डिंग वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ भी सकते हैं, सारी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इस रिगार्डिंग मैंने आपको लबालुआब बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।